हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं टेक फाइट। आज का वीडियो है हाउ टू फिक्स कर्नल 32DLL एरर। जब आप अपने लैपटॉप पे विंडोज 7 इंस्टॉल करेंगे और विंडोज 7 इंस्टॉल करने के बाद जब आप उसके ड्राइवर्स को इंस्टॉल करेंगे तो ये एरर आपको फेस करना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में आज हम इस एरर को फिक्स करके दिखाएंगे आपको। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये एरर अगर आप कोई ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे तो ये एरर आपके सामने आएगा। इसको फिक्स करने के लिए आपको एक पैच डाउनलोड करना पड़ेगा। उस पैच के लिए मैं आपको दिखाऊंगा कैसे डाउनलोड करना है उसको। सबसे पहले आपको अपनी लैपटॉप की प्रॉपर्टीज़ में जाके अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करना है कि वो कितने बिट का है, 64 या 32। उसके हिसाब से हम पैच डाउनलोड करेंगे। ये पैच दोनों वर्जन के लिए आता है, 32 और 64 बिट के लिए। तो मैं आपको पहले डाउनलोड करके दिखाता हूँ कैसे डाउनलोड करना है। ये जो लिंक है दोनों, ये आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। दोनों लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये 32 बिट के लिए भी है और 64 बिट के लिए भी आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको एग्ज़ाम्पल करके दिखाता हूँ, जैसे एक डाउनलोड करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये लिंक आपने कॉपी करना है और गूगल पे आप पेस्ट कर देंगे इसको। ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है, वहीं से आपको ये पैच डाउनलोड करना है। आपको सिंपली क्लिक करना है डाउनलोड पे। और ये डाउनलोड हो जाएगा और फिर मैं इसको अपने पेन ड्राइव में डाल के इसको उस लैपटॉप से कनेक्ट कर दूंगा अपनी पेन ड्राइव को। मैं आपको अब अपने उस लैपटॉप में लेके चलता हूँ। ये मेरा लैपटॉप है विंडोज 7 का, जिसमें मुझे एरर आ रहा है। अब मैं वो पैच तो मैंने डाउनलोड किया है उसको इंस्टॉल करूँगा। मैं आपको दिखाता हूँ। ये पैच मैंने डाउनलोड किया था अभी, और जैसे मैं इसको इंस्टॉल कर दूँगा उसके बाद मुझे वो एरर फेस नहीं करना पड़ेगा और मैं इजीली अपने सारे ड्राइवर्स जो हैं वो इंस्टॉल कर दूंगा विंडोज 7 में। इसको आपको सिंपली क्लिक करके इंस्टॉल करना है। आपको यस चूज़ करना है इस पर। अभी इंस्टॉलेशन हो रही है इस पैच की। उसके बाद जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो एक बार आपको अपना लैपटॉप रीबूट करना पड़ेगा। और जैसे ही आप रीबूट करके स्टार्ट करेंगे अपने लैपटॉप को, उसके बाद आप इजीली सारे ड्राइवर्स इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं एक बार रीबूट कर लेता हूँ उसको। अब मैंने वो पैच इंस्टॉल कर लिया है। मैं आपको दिखाता हूँ ड्राइवर डाउनलोड कर इंस्टॉल करके। ये देखिए अब इजीली इंस्टॉल हो रहे हैं, कोई एरर मुझे फेस नहीं करना पड़ रहा है।